आधुनिक विज्ञान का युग, मॉडर्न यूथ समस्याओं से जूझ रहा है। बहुत सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मानसिक बीमारियां बहुत बड़ा रूप ले रही हैं। इसके लिए एक ही समाधान है, ध्यान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, सेवा का मार्ग। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक ध्यान का मार्ग में गाइडेड मेडिटेशन। 15 साल का एक्सपीरियंस, उससे जो कुछ सीखा है उसको आज आपके सामने हम एक वीडियो के रूप में लाए हैं। गाइडेड मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स, शुरुआती लोगों के लिए। कुछ पल का ध्यान करेंगे, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर सीधा एक ही लाइन में करके बैठ जाएं। चौकड़ी मार के बैठें, या अगर आप नहीं बैठ सकते हैं ज़मीन पर तो कुर्सी पर बैठ जाएं। बट रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर सीधा रहे, ये ध्यान रहे। पोस्चर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आँखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मन मन मुस्कुराहट, शरीर ढीला ढीला ढीला। 2 बार लंबा गहरा सांस लेंगे, नासिका से नाभि की ओर, नासिका से नाभि, नाभि से नासिका, पूरा लंबा गहरा सांस लें, पूरा खाली कर दें। एक और लंबा गहरा सांस लें, पूरा जाने दें। हर बाहर जाते हुए सांस के साथ हमारी मांसपेशियां शिथिल पड़ रही हैं, शरीर ढीला, मन शांत हो रहा है। अब अपने पूरे सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर का मानसिक निरीक्षण करेंगे, सिर से पांव की ओर, पांव से सिर की ओर। अब पूरा ध्यान अपना सर पर ले आए, गर्दन, छाती, ऊपर कमर का हिस्सा ढीला, दोनों कंधे ढीले, दोनों बाजू, कोहनी, कलाई, हाथ, दोनों हाथों से ध्यान ऊपर लेके आए, हाथ, बाजू, कोहनी, कंधा, ऊपर का कमर का हिस्सा, पेट, पूरा ध्यान अपना पेट पर ले आए, नाभि पर केंद्रित करें, नीचे का कमर का हिस्सा ढीला छोड़ दें, दोनों कूल्हे, जंघाएं, घुटने, टांगें, टखने, पंजे, पांव की उंगलियां मेरी ढीली पड़ रही हैं। अब ध्यान को पांव की उंगलियों से ऊपर की तरफ लेके आए, पंजे, टांगें, घुटने, जंघाएं, कूल्हे, मेरे दोनों पांव बिल्कुल ढीले। ध्यान पेट पर ले आए, नीचे कमर का हिस्सा, छाती, ऊपर कमर का हिस्सा, गर्दन और सर, संपूर्ण शरीर मेरा ढीला पड़ गया है। गर्दन, कमर और ट्रंक मेरा पूरा एक ही लाइन में। अब पूरा ध्यान अपना श्वासों पर ले आए, आनापान सती मेडिटेशन। अपने श्वासों का निरीक्षण करेंगे, 1 मिनट तक अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले आए, देखते रहें अपने अंदर जाते हुए श्वास को, बाहर निकलते हुए श्वास को, देखते रहें अपना ध्यान दोनों नासिकाओं के बीच, द ब्रिज बिटवीन द टू नॉस्ट्रेल्स, अपर लिप के ऊपर आप जहाँ ये इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे ले आएं। यहाँ पर अपना पूरा ध्यान ले आएं और अपने अंदर जाते हुए श्वास, बाहर निकलते हुए श्वास को देखते रहें। नॉर्मल श्वास लें, पचास सेकेंड और अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों की ओर। चालीस सेकेंड और देखते रहें अपने श्वासों को। बहुत ज़रूरी काम, बहुत फ़ायदे का सौदा,
सस्ता और बढ़िया काम, आना पान। भगवान बुद्ध ने अपने श्वासों को देखा और भगवान बुद्ध बन गए, अपने आप को जान लिया। अंधार अंदर जाता हुआ श्वास, ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश करती हुई, शरीर को तरोताजा करती हुई। हर बाहर निकलता हुआ श्वास मेरे शरीर के दूषित पदार्थ, टॉक्सिन्स, केमिकल्स, पेन, डिजायर सब मेरे बाहर निकल रहे हैं श्वासों के जरिए। देखते रहें अपने श्वासों को 20 सेकेंड और। पूरा ध्यान मेरा अपने श्वासों पर है। अंदर जाता हुआ श्वास, बाहर निकलता हुआ श्वास। 10 सेकेंड और। बीच बीच में कोई विचार आ जाता है तो फिर विचार में खोना नहीं है, ना दुखी होना है, ना परेशान होना है, ना खुश होना है। ध्यान को अपने नासिकाओं के पास ले आएं और सांसों को देखते रहें। बीच बीच में विचार आएंगे जाएंगे, बट पूरा ध्यान आपको अपने सांसों पर लगाना है। अब अपना ध्यान सांसों को महसूस करेंगे। पहले हमने देखा अपने सांसों को, अंदर जाता हुआ, बाहर जाता हुआ, निकलता हुआ। 10 सेकंड तक अपने सांसों को हम महसूस करेंगे। अंदर जाता हुआ श्वास में कुछ ठंडक है, बाहर निकलता हुआ श्वास कुछ गर्म है। महसूस करें अंदर जाते हुए श्वास को, बाहर निकलते हुए श्वास को। करते रहें 5 सेकेंड और। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर ले आएं, दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं उस लेवल पे। आप सर के पिछले वाले हिस्से में जाएंगे, आज्ञा चक्र है ये, रीढ़ की हड्डी के लेवल पे, दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं ये आज्ञा चक्र। इससे आप पीछे जाएंगे, पीछे की तरफ हमारा आज्ञा चक्र है, थर्ड आई, शिव जी का तीसरा नेत्र। अब अपना पूरा ध्यान तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र पर ले आएं, अपने अंदर जाएं। कुछ ना करना भी एक यही ध्यान है। ना हम हिल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं। सारी इंद्रियां हमारे अंदर की ओर, अंदर की यात्रा, आंतरिक यात्रा करना ही ध्यान है। मन से हटकर मन को देखना, विचारों से हटकर विचारों को देखना, अपने अंदर झांकना, अंदर का अंधकार और उसमें बिखरता विचलित मन, अंदर मन में जो विचार चल रहे हैं उनको देखें। विचारों से परेशान ना हो, आने दें और जाने दें। पूरा ध्यान एक मिनट तक अपने विचारों पर रखें, अपने मन अपने अंदर झांकें और चल रहे अनगिनत विचार, भविष्यकाल और भूतकाल में विचरता हुआ मन, बीता हुआ पल और आने वाला कल, इसमें मेरा मन विचर रहा है। देखने मात्र से मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, विचारों की गति कम हो जाती है। यही ध्यान है। सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठें, बिना हिले, आंखें बंद करके, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी प्रैक्टिस करें, बहुत फायदे होंगे। सिर्फ 21 दिन तक ऐसा करें और आप हैरान हो जाएंगे, आपका मन शांत होने लग जाएगा, एकाग्रित होने लग जाएगा, कंसंट्रेट होने लग जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, फैमिली लाइफ भी बेटर होगी, रिलेशंस भी बेटर होंगे, मैरिड लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, पर्सनल, प्रोफेशनल,
कामयाबी और आपके चरण चूमेगी। शुरू कर दें आज से और अभी से। फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस बहुत ज़रूरी है। एक ही जगह पर बैठकर ध्यान करें, एक समय फिक्स निर्धारित कर लें। 5 मिनट से ही शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इसका मतलब आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, शुभचिंतकों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सब लोग सुखी रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग खुश रहें। धन्यवाद।